हमारी स्मृति में रहे। धन्यवाद सर, आपने मेरी इतनी तारीफ में तो शब्द कही, यहाँ मेले में जितने आए हुए हैं। एक बार जोरदार बजाएं। हाँ अच्छा, आप क्या मेरी ताली बजाओगे? मुझे तो लगता है कई आदमी मेरी ताली इसलिए नहीं बजाते, वो ये कहते यार छोड़, इसकी तो भगवान ने बजा रखी है। क्योंकि हरियाणा में हास्य है, वो एक हरियाणवी ताऊ और एक शायर बस में बैठे जान लाग रहे। वो शायर ने एक शेर सुनाया, बोले ये जमी बेच दूं, आसमां बेच दूं, तेरे प्यार में सारा जहां बेच दूं। ये हरियाणा का आदमी इतना नहीं सुन सकता साहब। उसने उस शायर का गला पकड़ लिया, ने बोला यार जमीन आसमान तेरे बाप की है, प्यार तू करे सारी जमीन आसमान ने बेचने लाग रहा। ने बोला जी शेर तो ऐसे ही बनते हैं। फिर हमारे उस हरियाणा वाले ने शेर बनाया, बोला मेरा शेर सुन, अपनी भैंस बेच दूं और अपनी गाय बेच दूं और तेरे प्यार में पप्पू की माँ बेच दूं। ये होता हरियाणवी। हरियाणवी शेर और शायरी हमारी पत्नी भी सीख गई थी। जैसे ही शादी के वक्त मैं उसके दरवाजे पे गया और मैंने माला डाली, तो उसने एक शेर कहा, छैल सबीला गाब रू सोना सा सरदार और सुंदर मिला पति तेरी जय होकर तार। अब वो माला मेरे ना डाले। मैंने कहा तुम माला डाल, बोली मैं माला जब डालूंगी जब तू मेरे ऊपर एक शेर सुनाएगा। तो मैंने तुरंत एक शेर सुनाया था उसके ऊपर, मैंने देख लिया था अच्छा कवि शेर ऐसा बनाता है। मैंने उसको देख के कहा था कि हाथा मेहंदी पाया मेहंदी और मेहंदी खूब रचाई जी, हम तो तेरा बेटा बेटी तू हमारी माई जी। और इस तरह माला गल गई थी। वो आदमी भी ताली बजा सकते जिनको ऐसे ही माला गली थी। क्योंकि हरियाणा में तो हास्य हर जगह बिखरा पड़ा साहब। हरियाणा में तो देखो, मेरी माँ मैंने डॉक्टर को लेगी, बोली डॉक्टर साहब इसको देखो, इसका ना घी लग गया, ना दूध लागता, ना काजू पिस्ता बादाम लागता, इसका के लग गएगा। डॉक्टर ने बोला ताई ना घर ने ले जा, एक एक दो महीने में दाग लग गएगा। तो सर साहब ऐसी ऐसी भीड़ बनाई मेरे साथ होती रहती है। अच्छा हरियाणा की तो मैं और बात बताऊ आपने, हरियाणा के तो फौजी गजब के हैं। एक फौजी गया अपने अफसर धो रहे, नुबला साहब, नुबला हाँ, नुबला एक महीने की छुट्टी दे दे, नुबला दे दूंगा जाता हूँ। तो ऐसी ऐसी वीडियो बनाए हमारे साथ होती रहती है। आइए मैं आपको एक कविता से जोड़ता हूँ, एक मेरी हास्य कविता है, प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन। एक नौवीं क्लास के छोरे ने, नौवीं क्लास के छोरे ने दसवीं की छोरी तक प्रेम पत्र पकड़ा दिया और छोरी ने छोरा उड़े खड़ा खड़ा थपड़ा दिया। फिर वो पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा तो मन मन मुस्काया, नुबलाए छोरी देख तने खाम खाई छोरे की घंटी ले रखी है, बिचारे ने तेरे ते फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी। यह सुनते छोरा घबराया, उसका एकदम पसीना आया, नुबला जीव तो और भी चाड़ा पटेगा, इमने हेडमास्टर काटेगा। ईब तो ईसा लाइसन या ले रही है, तो प्रेम पत्र हेडमास्टर ने जा लिया। हेडमास्टर ने भी जो मनाई कर, मास्टर बहन जी से तू हेडमास्टर ने तो बख्श देता। यह सुनकर छोरा आकड़ के खड़ा हो गया, हेडमास्टर की बैत पकड़ के खड़ा हो गया। हेडमास्टर बोला बाकड़ा है मेरी बैत ने पकड़ा है। छोरा हाथ जोड़ के नु बोला जी मैं इस कारण आपकी बैत का चिपट रहा हूँ, प्रेम पत्र पर तो दुनिया पिटती देखी, आज मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ, मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ, मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ। राम राम, अरे राम राम तो ले लो, बाद में चुप हो जाना। सरो साहब नमस्ते, सर जी प्रणाम। आज बहुत समय बाद परमादरणीय श्री धनपत सिंह जी के दीदार हो रहे हैं। मैं थोड़ा, मेरा भेष आज अलग है। आइए एक बार मिलके एक म्यूजिक के साथ तालियां बजाते हैं, क्योंकि हमारे सरो साहब ने जो आज महफिल जुड़ाई है, और निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली इसलिए हूँ कि मैं हरियाणा का हूँ, और हरियाणा का आदमी तो आपको पता है जैसा होता है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आगे से लेकर पीछे तक इस संगीत के साथ, मेरा एक जो प्रसिद्ध गीत है उसके इंस्ट्रूमेंटल के साथ एक बार तालियां बजाकर इस प्रोग्राम में शामिल हो, क्योंकि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ, आप आरियों के साथ। बजाएं, बोलते बजाओ।
सबसे पहले मेरा प्रणाम उन सैनिकों को जिनके कारण हम यहां आज बैठे हंस रहे। मैं चाहूंगा कि हरियाणा के वीर सैनिकों के लिए अगर अब तक भी कोई हाथ खाली है तो उठाए हाथ और पहुंचा दे सियाचिन तक तालियां अपनी जोरदार ताले से। मेरा प्रणाम हमारे बुजुर्गों को जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। हमारे सामने हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, वाजपेयी इस मंजिल तक पहुंचे क्योंकि हम उनके बड़ों ने उनको जो शिक्षा दी। मैं चार पंक्तियां हमारे बुजुर्गों के नाम शुरू करके संगीत की महफिल को शुरू करना चाहता हूं। जी भाई, गरीब ने सताइए ना। मैं सिंगर नहीं हूं सर, आप जानते हैं मेरे को। तो जब मैं सर के साथ एक बाहर डेलीगेशन में गया तो आदरणीय धनपत सिंह ने कहा था भाई तेरे गले में दर्द है। मैं जी कैसा दर्द? कहता सिर दर्द है। तो उन्होंने कहा तू रेडियो पे गाया कर। मैं जी रेडियो पे कैसे गाऊं, मेरे को अभ्यास निकला, एक रियाज किया कर। एक उन्होंने तान पूरा दे दिया, मैं सुबह उठ के शुरू हो गया आ। हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया थी, वो आ गई रोन ला गई, बोली बेटा तू मरेगा। मैं कहा क्यों? कह रहा कल मारा काटड़ा भी नुए करके मरा था। मैं कोशिश करता हूं गाने की लाइन अगर दिल में उतरती चले तो आपकी तालियों के साथ बोले। गरीब ने सताइए ना, बिना भूख तू खाइए ना। मां सिंह कुनिया जी आए थे, कहां चले गए? अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शाम के खाने की इन्होंने कह रखी थी, रोटी की बात आई। गरीब ने सताइए ना। मैं देख रहा हूं यहां 125,650 लोग बैठे हुए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक सरदार जी बैठे हैं और एक सिख 1,25,000 के बराबर होता है। तालियां जोरदार बजनी चाहिए थी इस बात पे, हम गुरुओं की परंपरा के लोग। गरीब ने सताइए ना, बिना भूख तू खाइए ना, और बिना बुलाए जाइए ना। भाई ते बैर लगाइए ना, और जित बैठे हो बड़े शाने। मैं अग्रिम पंक्ति में जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनको समर्पित कर रहा हूं कि जित बैठे हो बड़े शाने, उत घनी जुबान लड़ाइए ना। धन और नारी के, या जो आज का यूथ बैठा है इसके सिलेबस की बात कह रहा हूं। जित बैठे हो बड़े शाने, उत घनी जुबान लड़ाइए ना। धन और नारी के चक्कर में मित्र तक कपट कमाइए ना। और अब सूरज कुंड के इस मेले की चौपाल गूंजेगी उन संस्कारों से, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आप किन घरों के बच्चे, किन घरों के लोग हैं। मैं पढ़ता हूं, बोलता हूं, गाता हूं, बारी आपकी है। मित्र तक कपट कमाइए ना, बेशक हो जा पर्वत ऊंचा, मां बाप का सिर झुकाइए ना। और अगली पंक्ति पर तो गूंजा दे तालियों से, क्योंकि मैं बात जो कहना चाह रहा हूं, मां बाप का सिर झुकाइए ना। अरे सिर कट जा पर उल्टा मत हटिए, तू देश ते दगा कमाइए ना। मेरे साथ मिलकर बोले गुंजा दे फरीदाबाद शहर को, भारत माता की। मने मत पूछ मने क्यों, तू इतनी अच्छी लागे। सर ये गीत मैंने 7 साल पहले रिकॉर्ड किया था और भगवान की कोई अच्छी कृपा हुई कि गीत मेरे से लिखा गया, गाया गया। आज तक ये गीत जिंदा है और खुशी की बात मुझे ये है कि मैंने इस गीत के सहारे हमारे विश्वविद्यालय में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक कॉर्पस फंड क्रिएट किया जिसका नाम समर्थ है। इस सीडी से जितनी भी कमाई हुई मैंने यूनिवर्सिटी को दी और मेरे दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि आज इस फंड में 25,00,000 रुपए इकट्ठे हो गए हैं हमारे बच्चों के लिए। बोल तेरे मीठे मीठे, बात तेरी साची लाग। बोल तेरे मीठे मीठे, बात तेरी साची लाग।
मने मत पूछ मने क्यों तू इतनी अच्छी लागे शान से तेरी गजब की तेरे पे मेहर सरब की तू खुशबू की लड़ी से मेरे ते दूर कड़ी से क्यों बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे मने मत पूछ मने क्यों तू इतनी अच्छी लागे से तेरी जब प्यार हो जाता है सर अपना टाइम नहीं था वो एक बड़ा बड़ी कम करी आजकल तो ये फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना आ गया ये तो फेसबुक पे प्रपोजल डाल देते हैं बच्चे अपना समय वो नहीं था सर हमारा एक ताऊ था मैं बोला ताऊ जी आजकल तो बच्चे फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं प्यार के आप क्या करते थे बोला करना क्या था जब तेरी ताई से बात करनी होती तो मैंने घंटी ले रखी थी घंटी बजा देता तेरी ताई आ जाती हम दोनों बात कर लेते मैं कहता हूं जब तेरा मन करे जब तो तू घंटी बजा दे ताई का करे तो करे कुछ नहीं ताई तो हर घंटे में आके पूछ जाया करती आज ही घंटी तो नहीं बजाई थी अरे रात ने नींद ना आवे आवे तो सपने आवे ओए रात ने नींद ना आवे आवे तो सपने आवे या दुनिया दुश्मन दिखे मने अपने ना पावे या दुनिया दुश्मन दिखे मने अपने ना पावे रूह मेरी भटकी भटकी तेरे वैट की अटकी रूह मेरी भटकी भटकी तेरे पैट की अटकी तो खुशबू की लड़ी से देखो आप ऐसे मत सुनो जैसे संतोषी माता की कथा सुन रहे हो नहीं कई बार हमारे साथ पुनिया साहब के साथ दिक्कत हम बता रहे सर जी हमारे एक ना चौधरी साहब थे उन्होंने नया फार्म पे खेत बनवाया खेत पे घर बनवाया तो एक पंडित जी को कहा भी मेरे घर संतो उसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं पंडित जी कहले बाहर सुन ले चौधरी साहब ये लीलावती कलावती खानदानी घर की औरत रात बिरात किसी के खेत में नहीं जाया करती बजाओ ताली एक बार जोरदार बात पे ताली बजी अरे मैं कहा भाई साहब आप पीछे कहां बैठे हो आ गया हो आप तो मेरी बात समझते हो निकल रहा बात बूत को छोड़े कह रहा कुछ नहीं बात को लंबा करके बोल जर्मन हो जाती है बोला कैसे बोला किसी का नाम पूछ रहे तो कह दे भाई साहब आपका क्या नाम है जर्मन बोला होगी चल ठीक है लो जी न मैं सजी पानी आया अब मैं जगबीर आठी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ मैं सोचा कुछ खा भी लेता हूं मैं कहा मेरे लिए तुम पिज्जा लाओ पिज्जा भी आ गया अब तो जगबीर मैं पलवल का रहने ताली बजाओ है से काम नहीं चलता अपना क्योंकि एक तो मंडिया हरियाणा की जबान ऐसी है हम लोग मुश्किल से कम्युनिकेट होते हैं मैं एक बार पुनिया साहब को फिर कह रहा हूँ पुनिया साहब बड़ी मेहनत करते हैं देखो हरियाणा का कितना अच्छा इन्होंने एग्जीबिशन लगाया कल मेरे कह रहे थे भैया मैं तो आवे तो सपने आवे हो रात ने नींद ना आवे आवे तो सपने आवे या दुनिया दुश्मन दिखे मने अपने ना पावे हो या दुनिया दुश्मन दिखे मने अपने ना पावे रूह मेरी भटकी भटकी तेरे में अटकी अटकी रूह मेरी भटकी भटकी तेरे में अटकी अटकी अच्छा यहां तो सर आपने इसको एक इंटरनेशनल रूप दिया हुआ है अदरवाइज हरियाणा में तो कोई काम करना मुश्किल है एक बार एक गजल सिंगर आ गया क्या हो गया बिल्कुल आराम से ये अपनी फोक ड्रेस है आज तक कोई ऐसा धोबी नहीं मिला जो इसको प्रेस कर दे हमारा दामन जिंदाबाद अपने हरियाणा के पहरावे के लिए भी तालियां बजती है एक बार जो होता है ये जोरदार है क्या हरियाणा वाली बजाओ यार ऐसे मैं बता रहा ना और बात बीच में रह जाती है अब मैं कह रहा ना आपने इतने अच्छे इंतजाम किए हुए
हरियाणा ने, मैं तो लास्टर में गया था जब सिद्धू ने पूछा, ओ गुरु तू कहाँ का, मैं कहा मैं हरियाणा का, कर हरियाणा की खास बात बता, हमने तो देश की नींद आराम कर रखी, बोले कैसे, मैं कहा ढाई तीन बजे तक मल्लिका सरावत नहीं छोड़ने देती मेरा हरियाणा की, और सुबह चार बजे बाबा रामदेव उठाते हो मेरे हरियाणा के। लेकिन दोस्तों एक बात कही जिसके लिए पंडाल गूंजे तालियों से, मैंने कहा सिद्धू साहब मैं उस हरियाणा की वीर धरती का हूं, जब कारगिल युद्ध हुआ तो 78% शहीद मेरे हरियाणा की धरती के थे। और एक बात मैंने अमेरिका में कही थी, मैं यूएसए गया, जब गया था पुनिया साहब भगवान कसम गया था, मत हंसो प्लीज, ये बाद में कहानी बनाते। एक ने पूछा तेरा देश क्या, हिंदुस्तान क्या, व्हाट आर यू इंडियंस, मेरी बातों पर अब तक जो तालियां नहीं बजी अब चाहूंगा। मैंने कहा सुन रहा अमरीकी, तेरा देश विज्ञान का देश, तकनीक का देश, तेरा देश साइंस के जरिए मंगल पर जीवन ढूंढता है, लेकिन हमारा देश भारत जीवन में मंगल ढूंढता है। यार क्या अब मैंने क्या कह दिया था, अपना हरियाणा है ऐसा, मैं बता रहा हूँ सर जी। एक आया सौंदर्य रस का कवि, आम की डारी पे बैठना कोयलिया, वाह 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 वाह, आम की बारी पे बैठना, वाह 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 वाह, आम की डारी पे बैठना बैठना बैठना, एक बूढ़ा खड़ा लठ ले गए, मेरा बात सुना छोरे, इन्हें तू आम की डाली पे बिठा चाहे पिपल की, पर अब कैमरे साले की ने बिठा देश है, नहीं तो तेरी हालत खराब कर देंगे। मेरे साथ गाओगे, गा लो यार, उदास चेहरों को कोई प्यार नहीं करता, मुझे पता जितने शादीशुदा लोग हैं वो बेचारे तनाव में, देखो अंकल जी भी हंस रहे आज, तो आप तो इसलिए हंस रहे आपकी पारी तो खत्म, हमने क्यों मरवाओ आप, आपने तो करना कर लिया, नहीं एक क्यों करवा चौथ का व्रत सर जी, हमारी जान की टेंशन, मेरी शादी हुई तो पहले जब साल करवा चौथ का व्रत आया तो गुमसुम बैठी, मुझे लगा मेरी चिट्ठी पकड़ी गई, मैं मेरी मां ने बोला मां क्या चक्कर है, बोले बेटा आज करवा चौथ है, आज व्रत रखा, मैं किस लिए, कह रहे इससे पति की उम्र लंबी होती, मेरे आज तक समझ नहीं आई कि गांव का भूखे रहने तो सांड की उम्र कैसे बढ़ेगी, कह रहे नहीं 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 ये चाहती है कि सात जन्म तक तुम ही मिलो, मैं कहा हम तो ऐसा नहीं चाहते, क्यों पुनिया साहब, ये तो सोचो इनको एक्सचेंज ऑफर हो तो बदलवा ले जाके, अच्छा पहले साल व्रत रखती है, वो तीन बजे घर आ जाता सर जी, डार्लिंग कुछ खा लो, अरे वो भी बड़ा तुनक, नहीं जी आपके लिए तो मैं सात जन्म तक भूखी रह सकती हूं। पांच साल बाद सरदार जी को पता नहीं बिजनेस में बिजी हो गए, आज व्रत भी है, पांच बजे फोन आया, घर नहीं आना, आ रहा हूं, क्या देखना चांद निकला, चांद मेरे बाप का घर से निकला, चांद 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 चांद, उम्र आगे और बढ़ी, पांच साल बाद व्रत फिर भी रखती हूं, अब तो भाई साहब को पता ही नहीं है किसकी पेमेंट किसकी मीटिंग, सामने थके आ रहा है, करे जी देखना चांद यार, चांद 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 बिल्कुल इंटर लगा चांद यार, मैं कहा ले चांद तेरे को, सर जी उम्र होगी आप वाली, ताऊ जी सुनियो आपको देख के जाना आया, मारी दादी ने व्रत फिर भी रखा, अंदर तो ऐसे कर देगा, ऐ जी देखियो चांद निकला, और वो भी सारी उम्र का तपया बैठा है, न बोले ओ तो नहीं निकला, यू निकला ले इस पर चढ़ा ले। एक ऑब्जर्वेशन देता हूं आपको, अगर रियल हो तभी ताली बजाना, इस उत्सव को उत्सव बनाना, औरत जब बूढ़ी हो जाती है उसकी गर्दन ऐसे हिलती है ऐसे, लेकिन आदमी बूढ़ा होता है उसकी गर्दन ऐसे हिलती है, वो बाहर बैठे का ऐसे सुनियो अगर ना मैं ना देखे ताली बजाओ तो इकट्ठे बजाया करो ऐसे नहीं, हाँ ये बात, संस्कार बदल गए प्रथाएं बदल गई, लेकिन एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसके पास परिवार जितना बड़ा शब्द है, शादी जैसा संस्कार हमारे पास, पहले तो खुद सेवा किया करते, बाबू जी आपको पता होगा मैं बता रहा हूं ना, पहले तो देखने नहीं जाया करते, मेरी जब शादी करा भाई तेरे लिए लड़की देख दी, सर जी मैं बोला शादी मेरी और लड़की कैसे देख दी, मैं देखूंगा, मैं वहां पहुंच गया जो मेरी होने वाली जो नहीं हो सकी बाद में, वो बैठी मेरे होने वाले जो नहीं हो सके सास ससुर बैठे, उन्हें कहा बच्चों को अकेला छोड़ दो, वो उठ के चले गए, वो बैठी मैं बैठा, आध घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, आखिर में आपके भाई ने चुप्पी तोड़ी, मैं बोला बहन जी आप कितने भाई बहन हो, ने बोले जी पहले तो दो थे अब आप आ गए तो तीन हो गए,
पहले प्रथाएं थी ऐसी, खुद लड़की वाले सर्व किया करते, एक अच्छा नीचे बैठ के जिमाया करते पत्तल पे। आजकल तो ये थर्मोकोल की सीट खाते हैं, सुना इसमें जहर है, मत खाया करो। पत्तों पे हम सब्जियां खाते थे, इतने ऑर्गेनिक होते थे हमारे रिवाज, रीति रिवाज, तो उसपे करते लड्डू लड्डू लड्डू, जलेबी जलेबी जलेबी। अच्छा बरात में गंजा बराती जा रहा था, जब टाइम आया सब्जी का लाइट चली गई, वो थोड़ी थोड़ी टांट चमके उसकी, उसने गरम गरम सब्जी टांट पे डाल दी, वो चिल्ला रहा फूंक दिया। नवला फरीद इतनी अच्छी प्लेट की उठा रहा था भाई, रात न नींद न आवे, आवे तो सपने आवे, रानिया दुश्मन दिखे मन अपने ना भावे, रूह मेरी भटकी भटकी तेरे में अटकी अटकी, रूह मेरी भटकी भटकी तेरे पैर अटकी अटकी, तू खुशबू की लड़ी से मेरे से दूर खड़ी से, बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी सच्ची लागे, मत पूछ मने क्यों तू इतनी अच्छी लागे। भाषा प्रणाम, नमस्ते। टूरिज्म के सभी लोगों को मेरा प्रणाम, इसलिए कि आपने इस मेले को हमारी हरियाणा के निवले भारत की शान बना दिया है। सूरज कुंड का मेला हरियाणा की नहीं भारत की शान में एक इतना बड़ा सितारा चमकता हुआ नाम है। मैं चाहता हूं हरियाणा टूरिज्म के लिए इतनी जोरदार तालियां बजे जिन्होंने मान बढ़ाया हमारे हरियाणा का। नैन ते नैन मिले जब मेरे दिन रात चले तब, हो नैन ते नैन मिले जब मेरे दिन रात चले जब, फूल से होठ खुले जब मेरे ये भाग खुले तब, फूल से होठ खुले जब मेरा यो भाग चले जब, नशा सिर बोले चढ़के दिल मेरा धक धक धड़के, नशा सिर बोले चढ़के दिल मेरा धक धक धड़के, तो खुशबू की लड़ी से मेरे नैन तो नैन लड़े जब। मारा एक स्टूडेंट था सर जी, उसका चश्मा लग गया, कह रहा गुरुजी टेंशन होगी, मैं क्या ये कहता चश्मा लग गया, मैं फिर क्या हो गया, कह रहा लड़कियां नहीं देखती, वो उतार के फेंक नुमरे फिर लड़कियां नहीं दिखती। नैन ते नैन मिले जब मेरे दिन रात चले जब, फूल से होठ खुले जब मेरा यो भाग चले जब, हाँ नशा सिर बोले चढ़के के दिल मेरा धक धक धड़के, नशा सिर बोले चढ़के के दिल मेरा धक धक धड़के, तू खुशबू की लड़ी से कभी आर कभी पार लगा तीरे नजर, और तैयार घायल भी आर तुम मोरा नजर, बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी सच्ची लागे, मने मत पूछ मने क्यों तू इतनी अच्छी लागे, 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 तेरे मीठे मीठे बात तेरी सच्ची लागे, मन मेरे मीठे मीठे बात तेरी सच्ची लागे, बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी सच्ची लागे, मन मेरे मीठे मीठे बात तेरी सच्ची लागे, तू इतनी अच्छी लागे, अच्छी लागे। थैंक यू जी।